जिन्होंने एनआरसी और सीएए में नौजवानों के अंदर एक जोश भरा, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अपनी पीएचडी कंप्लीट की, जिस हलके में पहुंच जाता था। तमामों से गुजारिश है कि मेहमानों का तालियों में जयकार के साथ में। उसके बाद हमारे आइडियल एमएलए महाराष्ट्र में मुसलमानों की आवाज बनने वाले आला तालीम याफ्ता साहब कर रहे हैं। मैं नबी साहब से गुजारिश करूंगा कि बाबा जब स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं हमारे उपाध्यक्ष के एमएलए जनाब नबी साहब आदि लोगों से गुजारिश करूंगा कि बाबा का स्टेज को छोड़ दें। तालियों के साथ भी इस्तकबाल कीजिए, तालियां कम पड़ रही हमारे मेहमानों के लिए। ये रईस साहब हैं जो आपकी आवाज महाराष्ट्र की असेंबली में बनकर उनका स्वागत करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो मीडिया से हमारे जो है एक कस्टम एक कमरे होते हैं उनके उनकी अच्छा तो आगे आना चाहिए आप लोग। साथी भी रहते हैं और जिस तरीके से
इन्होंने पूरे इलेक्शन में अपने भाई के, उस वक्त वो जेल में थे, और बड़ी हिम्मत से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने का काम किया, और वहीं से इन्होंने आगे बढ़कर फिरकापरस्त ताकतों को, उनके मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं अपने नेता जो करोड़ों नौजवानों की रहनुमाई करते हैं, किसानों और मुसलमानों की आवाज हैं, जनाब अखिलेश यादव साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पीडीए की सोच ने, उनकी सलाहियतों ने भारतीय जनता में बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो रोजाना
जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति पर भाजपा पलट कर आ रही है। अभी कोल्हापुर में जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है एक कम्युनिटी को, मैं जहां से आती हूं वहां पर मुजफ्फरनगर में हमारे लोगों को जो सब्जी और फल बेचते हैं उन्हें तख्तियां लगाकर अपना परिचय देने को कहा है। तो अगर इसी तरीके की फिरका परस्त और भेदभाव फैलाने वाली राजनीति हमारे देश में पनपती रही तो ये आपके और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी। आज जितनी मेहनत हम अपने रोजगार पर करते हैं उतनी ही मेहनत हमें अपने सियासी एतबार पर भी करनी होगी, क्योंकि हमारा वजूद हमारे मुल्क में हमारे देश में हम तभी बना सकते हैं जब हमारी सियासी पहचान होगी, सियासी एतबार होगा। तो आप लोग अपनी ताकत, चाहे अपना रोजगार का काम हो, इबादत का काम हो या इल्म का काम हो, तालीम का काम हो, इसी तरीके से जब तक ईमानदारी सियासत में नहीं आएगी आपकी और हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। तो जैसा फहद भाई बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, आप लोग उनको पहचानिए, क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी कयादत का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी छोटा सफर राजनीति का रहा है, जितनी मजबूती के साथ मुझे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब पूरी सरकार और उनका पूरा प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था, वो एक ऐसे वाहिद शख्स है जिन तक पहुंचना हर आदमी के लिए इतना आसान है, जो हर गरीब मजलूम की आवाज को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं। आज इस देश में अगर विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है तो उनकी सलाहियत ने, उनकी सूझबूझ ने और उनकी पार्टी ने इस विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है, और वो हर उस व्यक्ति की आवाज बनना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब हमारी जरूरत है, 5 साल में एक बार उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है वोट की, अगर उस वक्त हम उनके साथ न खड़े हो तो हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे जो आपकी और हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सके। आज हमारे नेता आपके प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपको इस चुनाव, आने वाले चुनाव के लिए प्रेरित कर सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके और आपको बता सके कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी आपके बुरे में, आपके भले में, आपके बीच में सबसे आगे खड़े रहने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी के यहाँ पर मजबूत लोग स्टेज पर बैठे हैं, फहद भाई और रईस भाई यहाँ से जा चुके हैं और मन्नान भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इतने मजबूत हैं कि आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन्हें मजबूती दें, अपने बीच में रखकर ताकत दें ताकि ये हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपकी आवाज रख सके। और ये जो चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती है। आपको अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझना है और इस चुनाव में मजबूती के साथ वोट देने का काम करना है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ और अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अपने बीच में रखना चाहा तो इंशाल्लाह जब जब आप लोग बुलाएंगे हम सब आपके बीच में आएंगे और आपकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारा जो देश है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। मैं जानकार भी बना सकती है पार्टी,
करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितना बलिदान दिया है, ये काबिले तारीफ है। तो उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करती हूँ और बस यही आप लोगों के बीच में मैं कहने आई हूँ कि आप लोग उनका साथ दें, क्योंकि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही लोग दुनिया बदलते जा रहे हैं, और वो ऐसे एक शख्स आपके प्रदेश में है और उनकी कयादत के बीच में हमारे सभी लोग मौजूद हैं। हमें इकट्ठा होकर ऐसी राजनीति को अपने बीच में बढ़ावा देने की जरूरत है जो हमारे देश को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को तरक्की पर लेकर जाए, हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर इसी तरीके से हमारे भाइयों को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करेंगे तो आपके सदन में इतनी मजबूत आवाज पहुंचेगी कि फिर से कोल्हापुर जैसी वारदात इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों से इजाजत लेते हुए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मैं आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, उन्हें भी आप लोग राजनीति में आगे आने का मौका दें, मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत मुझे अच्छा लगा हम सबके बीच में आकर। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चुनाव में भी आपके बीच में आकर अपने पार्टी का संदेश लेकर आऊं और आपसे वोटों की गुहार लगा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद करेंगे स्वागत करेंगे।